हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपने सिलाई की सारा सामान और सारी चीज़ें कहाँ से खरीदती हूँ और क्या प्राइस है इनके और आप इसे कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आती है और सबसे ज़्यादा कमेंट आती है नॉन वुवन के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये नॉन वुवन है और इसमें कई सारे कलर आते हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, ब्लैक है, ब्राउन है, पर्पल है। और मेरे पास ये दो कलर हैं अभी फिलहाल, एक ये और एक रेड। इसके सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी चौड़ाई जो होती है ना, क्या बोलते हैं, पन्ना, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये पूरा नॉन वुवन का पन्ना है, तो ये अस्तर से हमें सस्ता पड़ता है और इसकी प्राइस समथिंग 50-60 रुपीज़ होगी अभी, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम पहले इसका पूरा रोल लिया था, होलसेल में लिया था। तो अभी मुझे याद नहीं है, मतलब रिटेल में फ़िलहाल इसकी क्या प्राइस होगी मुझे नहीं पता है। जब मैंने लिया था तब ये मुझे 50 रुपीज़ मीटर आया था, तो समथिंग अभी ये 60 या 17 रुपीज़ अराउंड तो होगा ही मीटर। एंड इसके अलावा आप लोग मुझे पूछते हैं फोम सीट कहाँ से मिलेगी। अब ये सारी चीज़ें मैं बूथ से लेती हूँ, अंजार से लेती हूँ। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो भूज में कई सारी शॉप है, अंजार में भी है, जगदीश मटेरियल करके, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैं एक नंबर आपको स्क्रीन पर मेंशन करूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर ऑर्डर करके सारी चीज़ें भी मंगवा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप स्टोर दिखाई देगा, वहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, उसकी प्राइस देख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगता है उस हिसाब से आप मंगवा सकते हैं। और आप जितनी क्वांटिटी लेंगे उस हिसाब से आपको ज़्यादा फ़ायदा भी और डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये है फोम, और फोम समथिंग 50-60 रुपीज़ अराउंड था ये जब मैंने लिया था। मैंने इसका पूरा 180 शीट का बोरा आता है, मतलब पूरा गद्दा आता है, वो लिया था। तो तभी मुझे ये थोड़ा सस्ता आया था, लेकिन उसे काफ़ी टाइम हो गया। मेरा अंदर छोटा बेड है ना, वो पूरा फोम से भरा हुआ है, स्टोर करके रखना थोड़ी तकलीफ होती है इसे। और इसकी जो एक सीट होती है ना, वो समथिंग इतनी होती है, ये इसकी चौड़ाई है और लंबाई में, मतलब कि समथिंग 2 मीटर जितना ये एक सीट में आता है। लेकिन एक सीट में से आप काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, और नॉन वुमेन में भी आप 1 मीटर में काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इस कलरफुल जिप के लिए भी पूछते हैं, तो ये वाली जिप भी आपको, जो मैं आपको नंबर दे रही हूँ, वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बाकी कहाँ मिलती है, जो मैंने अंजार भूज बताया वहाँ पर तो मिल जाती है, लेकिन आपके वहाँ कैसे अवेलेबल होगी वो मैं नहीं जानती हूँ। और ये समथिंग आप तो 10-15 रुपीज़ पर मीटर मिल जाएगी, और ये इस तरीके का पूरा बंच आता है। मैं लेती हूँ, पर आपको ये मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर ऐसे भी मिल जाएगी। और ये देखिए ब्लैक कलर, मेरे पास ओनली 2 कलर अवेलेबल है। इसमें जिप में भी आपको ये जो पूरा ब्लैक है उस तरीके से आपको अलग अलग कलर भी मिल जाएंगे, और मल्टी कलर में पूरा ब्लैक ही आता है, बीच में मल्टी कलर आता है। अब बात करते हैं हम इस डोरी की, ये भी आपको बहुत पसंद आती है ना। ये वाली डोरी शायद मैंने 2 ईयर्स पहले ली थी, पूरा गड्ढा था, समथिंग ये 15 या 20 रुपीज़ पर मीटर होगी। ये भी आपको उस स्टोर पर, व्हाट्सएप स्टोर पर मिल जाएगी, और इसमें अलग अलग कलर है और इस तरीके की ये डोरी है। इसके अलावा सिंपल ही डोरी मैं यूज़ करती हूँ, जो ब्लाउज वगैरह में यूज़ होती है वो वाली डोरी मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक इस तरीके का बेल्ट आता है, ये पर केजी के हिसाब से मिलता है, और इसकी प्राइस समथिंग अराउंड 50 रुपीज़ या इतना कुछ ये था। ये भी मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया है, इसका मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, तो सब लोग पूछते हैं कि कहाँ से लें। तो इससे अच्छा है कि मैं कपड़े को फोल्ड करके दिखाऊं, तो आप सबके पास अवेलेबल होगा तो आपको वो ईजी लगेगा। तो मैं कपड़े को फोल्ड करके ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। इसमें भी अलग अलग कलर मिलते हैं, ये भी 10-15 रुपीज़ मीटर ही होता है। इसके अलावा मैंने लिया है ये वेलग्रो का पूरा, ये इस तरीके का है, ये देखें, ये भी 5-10 रुपीज़ पर मीटर ही मिल जाता है। वेलग्रो इजीली कहीं पर भी अवेलेबल होता है, वो आपको इजीली मिल जाता है। ये है रनर,
रनर भी आपको व्हाट्सएप स्टोर पर मिल जाएंगे। और मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के रनर हैं, ये है ना, आप जितनी क्वांटिटी में लेना चाहे उतना आप ले सकते हैं। मतलब ये 1000 की पैकिंग आती है, 500 की आती है, इसके अलावा 100 की, 50 की, इस तरीके से अलग अलग आते हैं। तो आप रनर भी जितना चाहे उतना ले सकते हो। और जो ये रनर है, इन सब की प्राइस 2 रुपये से लेकर 4-5 रुपये तक की हो सकती है, क्योंकि जैसी जो चीज़ रहेगी, जैसी क्वालिटी रहेगी, उस हिसाब से उसके भाव यानी कि उसकी कीमत ऊपर नीचे होती रहती। वैसे ही सारी चीज़ों में सेम रहता है, सभी चीज़ों की क्वालिटी अलग अलग आती है, फोम में भी अलग अलग आता है, नॉन वोवन में भी अलग अलग आता है, तो उसमें प्राइस उस हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है। और कई लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि आप जिप में रनर बीच में क्यों होता है। तो देखिए, अगर ये मेरी जिप है, मैं इसके अंदर रनर ऐड करूँगी यहाँ से, तो यहाँ से ये बंद होकर रहेगा, मैं यहाँ से कट करूँगी, इतना सा यूज़ करूँगी, तो मेरा रनर तो बीच में ही रहेगा ना, इस वजह से मेरा रनर बीच में रहता है, क्योंकि मैं इस तरीके की जिप यूज़ करती हूँ। एंड आप लोग मुझे पूछते हैं ये हैंडवर्क के पेज के लिए, तो ये हैंडवर्क के जो पेज है ना, ये काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये स्पेशली कच्छ की कला है, मैं कच्छ से बिलोंग करती हूँ, मैं कच्छ में रहती हूँ, तो ये हमारे यहाँ इजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ही ये बनता है। इसमें कई सारी डिज़ाइनें होती हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कई जगह की कोई स्पेशल चीज़ होती है, उस तरीके से हमारे यहाँ कच्छ का ये हैंडवर्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपने ऑनलाइन भी इस तरीके का वर्क देखा होगा, और इन हैंडवर्क की जो चीज़ें होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा महंगी भी होती हैं। लेस है ये, तो लेस में भी काफ़ी सारी डिज़ाइन होती हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, क्योंकि ये हाथ से बनाया जाता है, ये पूरा वर्क जो है ना वो हाथ से करते हैं। अब इसके कॉपी करके मशीन से एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है, तो इसमें मैं आपको दिखाऊं तो ये पेज है, देखिए इस तरीके के क्लच भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं। ये मेरे पास अलग अलग डिज़ाइन के पेज हैं, मैं इसे यूज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सबके पास अवेलेबल नहीं होता ना, तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आती है कि ये हम कहाँ से खरीदें। ये देखिए, ये हैंडवर्क नहीं है, मशीन का वर्क है, लेकिन कलर इसका बहुत ही प्यारा होता है। और इसकी डिज़ाइन देखिए, इस तरीके के छोटे बड़े हर साइज के पेज मिल जाते हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी की लेस है, ये पूरा इस तरीके से मीटर 2 मीटर का फैब्रिक की तरह आती है। पहले है ना, हम लोग ये बैग का होलसेल में काम करते थे, तो ये काफ़ी टाइम पहले का लिया हुआ मेरा सामान है। सब लोग बोलते हैं ना कि आप सिर्फ बैग ही क्यों बनाते हैं, तो इसका रीज़न यही है कि मुझे सबसे ज़्यादा बैग बनाना पसंद है। एक्चुअल में हम लोग ये बिजनेस करते थे, हम लोग बैग बनाते थे, होलसेल में बेचते थे इसे, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे हम लोग YouTube पर आए और वहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो धीरे धीरे हमने ये बिजनेस बंद कर दिया, क्योंकि हम एक हाउसवाइफ भी हैं, तो आप जानते ही होंगे कि हमें घर में भी बच्चों को, घर को, सबको संभालना रहता है, तो बिजनेस और घर दोनों और यूट्यूब सब कुछ मेंटेन करना इतना आसान नहीं था, तो फिर हमने उस बिजनेस को छोड़ दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा हमारा वो बिजनेस भी चल रहा था। ये देखिए, ये भी वैसे ही होती है जैसे मीटर 2 मीटर पूरा, यहाँ से हम इसे कट करके इसकी लड़िया निकालनी होती है। ये देखिए, ये काफ़ी सुंदर लेस है, बस अब इतना सा ही टुकड़ा बचा है मेरे पास, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। आपने मैजिकल हैंड में देखा होगा, स्टार्टिंग के जो वीडियो थे काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, और वो जो डिज़ाइनें थी ना, वो हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा चलती थी, रिटेल में भी बहुत ज़्यादा बिकती थी, और ऐसे होलसेल में भी काफ़ी ज़्यादा वो उसकी डिमांड रहती थी, तो उसमें हमने ढेर सारे पीस बनाए होते थे।
कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या हम बैग बनाकर बेच सकते हैं। ये जी हाँ, आप लोग ज़रूर बेच सकते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। जब हमने शुरुआत की थी मेरी शादी से भी पहले, नेहा की भी शादी से पहले, उसने जो पुराने कपड़े होते हैं, पुरानी बैग होती है, उसे देख देख कर आइडिया लिया और उसमें से उसने बना बना के सीखा। फिर हमारी शादी एक साथ एक घर में ही हुई थी, तो हम लोगों ने बैग बनाना स्टार्ट किया। मतलब जो पहले से ही हमें आता था, पहले तो हम और भी स्टिचिंग करते थे, लेकिन हमने फिर बैग बनाना स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चली हमारी बैगें, तो हमारा बिजनेस अच्छे से चल पड़ा था। तो आप लोग भी बैग बना सकते हैं घर पर और बेच सकते हैं। बहुत ही अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं, घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिए हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ये चीज़ें ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।